रायगढ़ में शिक्षक संघ, प्रधान पाठक संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों ने जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की है और यदि 3 दिन के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनके द्वारा भूख हड़ताल सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी रायगढ़ द्वारा तमाम कर्मचारियों से मनमान्य व्यवहार किया जाता है, हर काम के लिए 5 से 10% रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया। शिक्षक की पुत्री की शादी होनी थी जिसमें उन्होंने बीओ में तो आवेदन दिया हुआ था, 25 मई को आवेदन दिया गया और उसके बाद 6/6 को शादी होने की थी, 6/4 को उस पर आपत्ति लगाया गया कि आपने अपनी पुत्री का और दामाद का जन्म प्रमाण पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र। उस व्यक्ति की शादी 6 तारीख को थी, पैसे के अभाव में 4 को आपत्ति लगाया तो कैंसिल कर दी, उन्होंने कैंसिल कर दी शादी क्योंकि शिक्षक सक्षम नहीं है बिना, है ना। कितने संगठन लोग आपके साथ अभी ज्ञापन देने हैं? यहाँ अभी हम लोग 6 संगठन है। किनको किनको ज्ञापन दे चुके आप लोग? डीओ साहब को दिए, कलेक्टर साहब को देना है, एसपी साहब को देना है, बीओ ऑफिस भी जा रहे हैं देने के लिए, तो विधायक महोदय को, रायगढ़ विधायक और खरसिया विधायक को। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बीओ रायगढ़ के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपने के लिए। मामला यह है, एक शिक्षक अपनी पुत्री के विवाह के लिए जीपीएफ फाइनल पार्ट फाइनल के लिए आवेदन करता है, उस आवेदन को 2 दिन पहले उसको खारिज कर दिया जाता है जिसके कारण उसकी पुत्री का विवाह टल जाता है। इस वजह से आज हम लोग संगठित होकर के यहाँ पे सब संगठन मिल करके यहाँ पर ज्ञापन देने हैं। तो उनका उसको बिल को पास नहीं करने का क्या कारण बताया? कुछ लेन देन का मामला स्वाभाविक बात है।